Yes. हमारे दुबई में फैजान इन्हीं फैजान क्योंकि पाकिस्तान से बहुत लोग आते हैं ना तो या फैजान तुम्हारे दुबई ने तो मुझे लूट लिया भाई नहीं 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 अभी जो पैसे मैंने खर्च किए हैं ना वो बहुत ही ज्यादा थप्पड़ लगा है मुझे तो तुमने खर्च किया ना लूट लिया है मुझे वैसे मजे भी तो करें फिर है कि नहीं ओहो मैं लूट गया पैसा पे एक तमाशा देख बहुत तमाशा देख लिए अभी तो मम्मी तमाशा दिखाएगी तमाचे दिखाएगी तमाचे अभी यार तमाचे दिखाती हूँ तमाशे रेडी सर यस रेडी ओके तमाम इंपॉर्टेंट सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है आप दोनों से कि सीजन 2 आ गया है अपने अपने थोड़े किरदार के बारे में बताइए किस तरीके से नजर आने वाले हैं आपसे आप बताइए ओके मैं शुरू करती हूँ सो बेसिकली मैं विदिता की कैरेक्टर प्ले करती हूँ यहाँ पे विदिता जो ऐसी एक लड़की है जो बहुत सॉर्टेड है शी इज आई ऑलवेज कॉल हर अ डीवा एंड अ हेड टर्नर बिकॉज शी इज एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शी नोज व्हाट शी वांट शी नोज व्हाट शी वांट एंड अगर उसका जो एक एम्बिशन है एक उसका जो गोल है उसको उस पर पहुँचने के लिए अगर उसको बीच में से किसी को कुचल के जाना पड़ा तो शी इज़ फाइन विद इट बट शी इज़ एट द सेम टाइम शी इज़ समवन दैट उसको वो प्यार देयर समवन जिसे वो बेइंतहा प्यार करती है बहुत प्यार करती है उस वो भी शी ऑलवेज कीप दैट थिंग इन हर हेड एंड शी इज़ वेरी सॉर्टेड Today's generation girl. I really like her in that way. आपके किरदार के बारे में बताइए कुछ. मेरे किरदार का नाम है नोविन और नोविन जो है वो बहुत ही रोमांचक है वो थ्रिल के पीछे बहुत भागते हैं जब वो प्यार करते हैं किसी से तो वो very lavish. He always बहुत बड़ी arrangement, बहुत बड़ी private कुछ बुक कर देंगे यॉट बुक कर देंगे या तो एक बीच बुक कर देंगे ऐसा है ऐसे रियल लाइफ में क्यों नहीं मिलता है मैं हूँ ना चुप तो नोवेन ऐसा कैरेक्टर है जो प्यार के पीछे वो कुछ भी कर सकता है और अगर किसी ने उसके यानी जिससे वो प्यार करता है या फैमिली को उन्होंने अगर किसी ने उनको धोखा दिया या उनको कुचलने की कोशिश की तो उसका वो एक अलग साइड निकल के आता है जहाँ पर वो उनकी मार देगा जैसे वो रिवेंज लेना शुरू कर देगा तो बिट्रेल कर देगा जैसे यानी ही इज ओपन टू ऑल ओनली टू प्रोटेक्ट हिज लव्ड वंस दैट्स नोबल एंड किरदार दोनों के किरदार जो है ना मतलब काफी ग्रे शेड है जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आपने बताया क्या एक लड़की है वो कुचल देगी किसी को भी एंड योर कैरेक्टर इज के ओके कर देगा ये कर देगा तो मतलब किस किस तरीके की प्रिपरेशन थी दोनों के आप दोनों के किरदार को प्ले करते हैं मतलब क्या रेफरेंसेस दिए गए आपको मुझे रेफरेंस ऐसा जैसे कुछ दिया गया नहीं गया था मुझे स्टोरी बताया गया था कि उनको क्या चाहिए था उन्होंने अपने रिक्वायरमेंट्स मुझे बताया थे कि वी आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस और दैट हमें बेसिकली विदिता ऐसे चाहिए हम चाहते कि बेसिकली मेरे डायरेक्टर ने वो बोला था कि यू हैव टू प्ले द कैरेक्टर लाइक यू हैव नेवर प्लेड बिफोर शी हैज़ टू बी द वन इन द एंटायर शो शी हैज़ टू बी समवन इफ वी कॉल विदिता पीपल विल इवन रिमेंबर हर आफ्टर 10 ईयर्स दैट शी इज़ विदिता सो दैट्स हाउ आरंभ आर डायरेक्टर ही ऑन द डे व्हेन वी वर गेटिंग द नरेशन ऑफ अ कैरेक्टर दैट्स हाउ ही नरेट्स माय कैरेक्टर सो फॉर मी आई न्यू दैट आई हैव टू मेक हर समथिंग विच इज़ यू नो even larger than life larger than your things larger than anything so that's how I got a reference of Vidita they never told me like ha aapko iski tarah play karna hai uski tarah play karna hai it was not like never like that so and to aapko kya reference diye hue kya bataya gaya aapko ki is kirdar ko pakadne ke liye ye kirdar dekhiye matlab preparation kya tha well they did say ki watch kuch parts of like उन्होंने वो कहा और ज्यादातर हमारे डायरेक्टर आरम जो है वो इज वेरी फ्री स्पिरिटेड
आपको परफॉर्मेंस करने का वो फुल स्कोप देते हैं, वो ये नहीं करते कि ये करो ये करो. इवन लाइक एक सीन था विच आई गॉट रियली पिस्ड ऑफ एट, मेरा नहीं था. सो व्हाट हैपेंड वाज, आप लोगों को वो जब मर्डर होता है तो आप और अनायशा अंदर आते हो. हाँ. तो वहाँ पे नीचे एक वो मर्डर वेपन पड़ा होता है. हाँ. या ठीक है, तो इन दैट मर्डर वेपन आई हैड एंटर द सीन बिफोर ये सब हुआ, एंड आई सेड ओके तो ये उठा के इधर साइड पे रख देता हूँ ऐसा कुछ. दे बोला नहीं नहीं, बिकॉज दैट वॉज द ओनली शॉट लेफ्ट विच दे मेड मी स्टे फॉर लाइक 5 hours एक्स्ट्रा. ओके, एक ही शॉट था, इन लिटरली लाइक दिस कैमरा और ऊपर जाएगा, दैट्स द ओनली शॉट. पर उन्होंने कहा कि अनायशा आएगी, जब अनायशा आएगी तो उसको क्या फील होगा, उसको यहाँ पे रखना होगा या उसको यहाँ पे रखना होगा, राइट. सो आई फील दैट बिकॉज ऑफ यू नो, सो ही नोज अगर चाहता है वो बोल सकता है अनायशा आपको आकर आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, बट ही डिडंट, ही एक्चुअली वेटेड एंड सेड ओके व्हाट डिड अनायशा फील. ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल टू ऑल द अदर एक्टर्स एंड हाउ दे वांट टू परफॉर्म, एंड देन ही काइंड ऑफ लाइक you know mixes it up with all the other actors, like he doesn't force anything. I feel that's great opportunity to explore as an actor. Okay, responsibility kitni badh jati hai jab ek season already hit ho gaya hai and ab aap log ki entry ho rahi hai season 2 mein. Responsibility to pata nahi, but obviously you know like as an actor, as a performer and as a person, even if you do the first season, even if you're doing for the first time, if you this is my fourth show with Alt. इससे पहले जो मैंने 3 shows किए थे, आई थिंक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द एक्सपेक्टेशन व एवरी टाइम इट वॉज द सेम. एवरी टाइम आई न्यू दैट आई ऑन माई शोल्डर देर आर 200 people और मे बी 500 people आर वर्किंग एवरी डे, देर हार्ड वर्क इज ऑन माई शोल्डर बिकॉज आई एम गोन बी द वन हु विल बी विजिबल ऑन स्क्रीन. सो आई थिंक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड the expectation is always the same with this, every project that you do, no matter what you're doing, even if you're coming for 5 minutes. So I think it's always the same with me. आपको लगा कहीं ऐसा कि बहुत यार pressure है कि यार कि अभी season 1 is already hit, अभी season 2 है, ये franchise को आगे भी लेके जाना है, तो क्या क्या you know जब आप नए आते हो and you're I mean new into the season 2, you don't have any as in अगर आप प्रेशर डाल दे तो अपने ऊपर कि अरे क्या वो अलग बात है, तो वो अलग बात है. बट फॉर मी पर्सनली ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, मुझे तो लगा कि दिस इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी, दिस एंड एवरी अपॉर्चुनिटी एज एन एक्टर एज अ पर्सन आई वांट टू गिव माय फुल पोटेंशियल. तो उसके बाद जैसे निकल के आता है और क्या रिव्यूज आते हैं, दैट्स नॉट इन माई हैंड्स. माई हैंड्स इज जो मेरा कैरेक्टर है, जो मेरा मेरे सीन्स हैं, जो स्टोरी में मैं जो करता हूँ, अगर वो निकल के आ जाए then as an actor I'm fine, and that's why I feel that there is no pressure. Pressure only is there right now. Abhi pressure abhi mujhe bekabu feel ho raha hai kyunki abhi 2 hi ghante baki hai release hone ke liye aur review karne mein 1.5 ghante. To mujhe lagta hai sirf only that is little pressuring, but not from pressure one from season 1 to season 2 aisa kuch zyada pressure. And yep, isi ke sath main jana chahunga ki jo aap jaise jo aapne kirdar jo kiya hai I have many goals in my life where I want to reach, but the thing I do not relate with her, for me I have morals in my life. I will never cross my morals, and for that, if I have to step on somebody, I might don't do that. I might take another way, I might make another path for towards my goal, but I will not cross over that thing. So yeah, so I think this is the one thing that I do not agree with her, but rest I think it's okay, it's me. Yeah, what I don't agree with Noven, I think जैसे मैंने आपको कहा lavish तो है ही, all that I like romance, I like romance and things like that, but I do feel कि as far as you know the thrill and adventure and the outgoing personality, no I feel I'm quite a loner. Oh shut up, you are not. I can be quite, I've never seen you like that. Really? आप लोग like I don't like going out much. Like if I had a choice between going out and staying at home and doing my own things, I would stay at home. Achha, Goa mein you did the same thing. You didn't go out with us. Yeah, but it's not that I don't want to. It's just that I have to wake up at a certain time. I have to do things. So if I
क्योंकि अगर अगले दिन अगर मैं बाहर जाता और अगर मैं वापस आता और मैं उठता नहीं वर्कआउट के लिए तो wow, he has something, so I think the love of his life, the most like the thing that he can die for, the those things is the workout. It's the workout. It's not about weightlifting as a coach. It's just every day. Why do you have to even take off your shirt? Look at the hand. ये सिर्फ बॉक्सिंग और क्या क्या करते हो देखो मुझे लगता है इट्स नॉट अबाउट जस्ट बिल्डिंग मसल इट इज तो ये मैं दिखा रही थी इस कपड़े उतार की कोई जरूरत नहीं हाथी देख लो बंदे की हाथी काफी है देखो लुक एट इट हो जाता है कभी कभी प्यार है ना पहला प्यार पहला प्यार है पर मुझे मेरा पहला प्यार ये है कि दिन में मुझे 3 घंटे मजदूरी करनी है एटलीस्ट 2 घंटे तो मजदूरी करनी है वर्कआउट पसीना बहाना है तब जाके मुझे ऐसा एहसास होता है कि भाई मैंने आज कुछ काम किया है अपने अपने आप को मैंने थोड़ा बेटर किया है यार मुझे भी पुश कर दिया कर कभी सुबह सुबह मुझसे बिल्कुल नहीं होता है मतलब मैं जिम के बारे में मेरे पास 3 साल के फ्री मेंबरशिप थे आई थिंक मैं अभी एक्सपायर तो छोड़ो 3 साल में मैं सिर्फ 2 बार गई हूँ एक बार मैं गई थी उसके अंदर बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट था वो फिटनेस वाला कैफे नहीं होता है उसमें खाना खाने गई थी क्योंकि उसमें मुझे 30% का ऑफ मिलता था और एक बार मैं गई थी बिकॉज मुझे ये आई थिंक टेली चक्कर के साथ ही मैं गई थी मुझे सेगमेंट बनाना था तो मैं 2 बार गई हूँ आपके साथ चलो साथ में तो घर के सामने भी है गुड आई नीड सम Some power. I'll give you the power. I need some motivation in my life, which I don't get. Okay, Jimmy, if you talk about set, what kind of atmosphere was there? Chaos. Every day chaos. But then, that's what happens on every set, to be very honest. Because there are so many people. There are so many people. I'm listening to the video. ताहिर और मैं एकदम बहुत इंटेंस सीन हो रहा है जहाँ पे मैं उसको फायरिंग कर रही हूँ कट हुआ सुन ना खाने पे कहाँ जाए यार पैकअप अभी तो 1 घंटे में हो जाएगा पंजी चले क्या खाना खाने के लिए आरंभ हाँ 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 लाइट ठीक हो गया So that's how we used to do it. Like cut, हम अपने खाने के बारे में बात कर रहे हैं कब कब जा रहे हैं ये मैं इतना natural नहीं हूँ जैसे ये प्रिया है ये लोग तो they're used to it. Web series मेरी पहली बार है मैंने TV भी कभी नहीं किया तो मुझे जब भी मैंने फिल्म की है तो मुझे स्क्रिप्ट पहले से मिल जाते हैं तो इसमें कैरेक्टर में चले जाना यार फिर उस कैरेक्टर से फिर बाहर कैसे आ जाए there's आई थिंक दैट every कैरेक्टर यू प्ले और every क्या बोलते हैं मीडियम That you play is very different. जैसे अगर आप फिल्मों में काम करते हो आपको ज़्यादा टाइम मिलता है हमें क्या हमें 10 दिन में आप क्या करोगे आपको 10 दिन में आप लाइन्स पे ही आप मेहनत करोगे ऑल्सो दिस इज दिस सो मेनी पीपल सबके टाइम्स मैच करना उनके साथ फिर रिहर्सल्स करना उनको और फिर इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट पर फिल्मों में आपको ज़्यादा टाइम मिलता है तो फिर आप रिहर्स भी कर सकते हो देन यू कैन डेवलप द कैरेक्टर अगर आपको कुछ ट्यून इन करना है तो आप वो जाके सीखो लाइक जैसे व्हाटएवर सो मेनी फिल्म्स पर In this, I feel that we were all mostly looking like what we are looking, but all we needed to do was learn the lines and understand what is the character arc. And because of that, I think, like I said, मैं इनके जैसा natural नहीं हूँ. मुझे उस पे मेहनत करनी पड़ती है. मैं रात पे सोने से पहले मैं मेहनत करता हूँ पूरा. And then I go on set, knowing that I know all my lines. Set पे मुझे lines के बारे में नहीं सोचना है. So I go in prepared. That's my thing, but I've seen that without any reading, Priya, her, वो तो ऐसे उठा लेते lines, यानी उनको it's an art. I am blessed with that because I have photographic memory. So I just have to see paper and then I'll remember it. If you'll say photographic memory, photogenic face, ये तो भाई ये तो unfair हो गया. So no, अगर आप कोई dialogue मेरे कान पे बोलोगे ना, अगर मैं सुनूंगी, मैं वो कभी नहीं बोल पाऊंगी until unless I see it on with my eyes. माइनस उल्टा मैं सुन लेता हूँ ना तो फिर मैं किसी को बोलता हूँ मुझे पढ़ के सुना नहीं मुझे वो नहीं होता मुझे देखना पड़ता है सो दैट इवन इफ आई एम सेइंग दैट लाइन विद ऑल इमोशन मेरे सामने वो लाइंस ऐसे आता है टेलीप्रॉम्प्टर या वो मेरे माइंड पे वो टेलीप्रॉम्प्टर चलता है हाँ सुन के ना पर नहीं मेरे पास टेलीप्रॉम्प्टर मेरे माइंड में चलता है तो आई हैव टू सी द लाइन देयर वाज अ सीन जहाँ पे
मॉन्टेजेस जाने वाले थे पर आरएम ने लास्ट मोमेंट में बोल दिया कि नहीं ये लाइन जोड़ दो एंड दैट वाज लाइक दिस बिग लाइन. आरएम ने मुझे माइक पे बोल दिया, मैंने 15 टेक लिए और मैं ब्लैंक हो जा रही थी. मैंने बोला आरएम इट्स नॉट गोना हैपन, आई नीड अ पेन एंड पेपर, आई एम गोना राइट इट डाउन. तो मैंने बोला मेरे को प्लीज 10 मिनट दो आप. तो मैंने आई रोट इट डाउन इन द पेपर एंड देन आई सॉ इट एंड लाइक आई एम डन. And then Param is like, oh, and Aram and I were like, dono ek dusre ko bahut like, he's very sarcastic in his life and I'm also very sarcastic in my life. To hamare na ye silent sarcasms jaate the. Yeah, right now you can do it. And he's like, if I don't do it, I'm gonna walk off. Aram, so I'm telling you, I'm gonna do it. Aram is like, yeah, right. So hamare ye friendly sarcasms hum log ek dusre ko dete the. I did it in one take. And then Aram is like, why did you take 15 takes to do it? Because you were telling me every time in my ears and I can't do that. I need to check, I need to see it. I need to see it on paper, then only I can do it. It's like, oh God, pehle nahi bata sakti thi 15 take le liye tumne. Maine bola, I was just trying to do something which I couldn't, but yeah. Okay, lastly, 8 ghanta bacha hai sir release hone mein, jis tarike se aapne bataya. Oh yes. To matlab kya nervous hai, excited hai, kya chal raha hai? I think first time I'm nervous. First time I'm nervous. You're nervous? I'm nervous. A little. Because generally मैं nervous नहीं होती हूँ, but I think this time I'm little. Exams भी देना भी result आने. नहीं वो तो मुझे वैसे भी नहीं होता है. वो मुझे अभी तक I think COVID test के बाद वो होता है. वो वाली feeling मुझे COVID test के बाद आता है कि like अब negative आएगा कि positive आएगा तो but ये. I'm not really that nervous. अरे the first time when I got my result मैं इतनी duffer हूँ. हाँ इतनी मैं duffer हूँ. Negative आया तो खुश होना चाहिए था ना. अब मुझे एग्जाम्स वाले फीलिंग आया तो मैंने पॉजिटिव नहीं आया, नेगेटिव आया. आई वाज लाइक डूड आई एम नेगेटिव एंड माय सिस्टर इज लाइक तो यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट. क्यों मुझे नेगेटिव आया ना? बोले पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब नेगेटिव. मतलब ओ मैं भाई आई एम पहली वेब शो है और ऑल के साथ है, बहुत लोग देख रहे हैं बिकॉज सीजन 1 बहुत बड़ी हिट थी. तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ. ऐसा नहीं कि मुझे यानी रिव्यूज़ कहेंगे, मुझे पता है कि शो अच्छा ही बना है जितना मैंने देखा है डबिंग में भी और जो ट्रेलर निकला है. सो आई फील इट्स ऑलरेडी अ वेरी ब्यूटीफुल शो एंड इट्स गोना कीप यू एट द एज ऑफ यू सीट. तो नर्वस नहीं, जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द पॉजिटिव कॉमेंट्स एंड द लव दैट the audience shows us. आपको पता है हम दोनों नर्वस है, हम बहुत एक्साइटेड भी एट द सेम टाइम. हमने कितने सारी मेहनत करके ये शो बनाया. सो आई रियली वांट टू टेल ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स प्लीज डू वॉच बेकाबू सीजन 2 व्हिच इज गोइंग टू रिलीज इन लिटरली इन 1 आवर. सो प्लीज सब्सक्राइब योर ऑल्ट बालाजी ऐप एंड गो देयर एंड वॉच बेकाबू सीजन 2 प्लीज टू कैच ऑल द थ्रिल एक्साइटमेंट रोमांस लव and every other emotion you can experience. Log on to Alt Balaji and catch Bekabu season 2 in 1 hour. Thank you so much. Thank you. Baat karne ke liye and all the best for your show. Thank you. I was supposed to say Parushpur. Main like Parushpur aise bol ke waise ruk ke maine Bekabu season 2 ek mahine pehle to main uska kar rahi thi. I was like please don't forget to watch Bekabu season 7 Parushpur nahi.